तो गाइस तुमने आज तक तुम्हारे घर में दिवाली देखी है, तुम्हारे मोहल्ले में दिवाली देखी है, आज पहली बार तुम देखोगे पूरे पुणे शहर की दिवाली और वो भी 25th फ्लोर से। पर दोस्तों ये नजारा देखने के लिए हमें शाम तक रुकना होगा, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें दिखाया जाए कि दिवाली लक्ष्मी पूजन के दिन मेरा दिन कैसा होता है। तो हमारा दिन शुरू होता है सुबह 5 बजे, जब हम उठ के नहा धो के हमारे गाँव के एक मंदिर में जाते हैं जहाँ सुबह सुबह काकड़ आरती चालू होती है। पूजा होने के बाद यहाँ पे सिर्फ प्रसाद नहीं बांटा जाता, नाश्ता दिया जाता है, क्योंकि लोग सुबह 5 बजे से 7 बजे तक भजन गाते रहते हैं और यहाँ पे नाश्ते में पोहा, समोसा, उपमा, वड़ा पाव ऐसी चीजें होती है। और हमारे यहाँ पे लोग प्रसाद अकेले नहीं खाते, अपने घर वालों को भी लेके जाते हैं। हाँ वो अच्छी चीज है, पर मैंने यहाँ पे जो देखा, मतलब एक आंटी थी, उन्होंने वो वड़ा पाव प्लेट में बांधा था और उस प्लेट को अपने मास्क में बांधा था। मास्क भाई साहब, वो बात और वो 7 बजे खाया हुआ वड़ा पाव दोनों भी मुझे हजम नहीं हुआ। फिर मंदिर में दिया जलाने के बाद तन्मय और हर्षल मेरे घर पे आ गए और हम चले गए अपने स्पॉट पे। तो अभी हम इस सोसाइटी में आ तो गए हैं, यहाँ पे कोई रहता नहीं है और जो ये पहली वाली बिल्डिंग है इसको लिफ्ट ही नहीं है, तो भाई हमारी लग गई, इतना तो हम चढ़ नहीं सकते। सो नाउ वी आर थिंकिंग ऑफ गोइंग द सेकंड बिल्डिंग, वो उससे थोड़ा सा ज्यादा ऊंचा है पर वो थोड़ा सा रस्ते से अंदर साइड आएगा। बस और एक डर है कि ये बिल्डिंग हॉन्टेड नहीं चाहिए हमको। क्योंकि ये नजारा जो मुझे दिख रहा है ना भाई, हमें को बोलने को नहीं हो रहा, माँ कसम ये देखो यहाँ पे रोंगटे दिख रहे हैं, ये देखो with this level of height, so we are going to another height. नीचे से एंगल अच्छा आ रहा है क्या? पर और तन्मय भाई आसमान की ऊंचाइयों में कोहरा ही कोहरा, पर फटाके का साइड से आ सकता था पर उसको दिखाना है कि मेरी हाइट बड़ी है।